सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स पता है ना सबको, जो रजिस्टेंस वायर्स होते हैं या कोई भी डिवाइस जिनमें कुछ रजिस्टेंस होता है उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। जैसे मान लो बल्ब है, बल्ब के वायर में क्या होगा, रजिस्टेंस होगा, तभी तो हीट जनरेट होती है। समझ में आया क्या? तो दो बल्ब को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। दो बल्ब बोलो या दो रजिस्टर बोलो, उनको दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। समझ में आया क्या? कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं दो बल्ब को? दो तरीके से, हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने आपको रजिस्टर का साइन बताया था, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ये होता है ना? यस सर। मान लो ये रजिस्टर है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है। अगर इन तीनों को मैंने एंड टू एंड कनेक्शन कर दिया इनका, इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने एक लाइन से एंड टू एंड इनको कनेक्शन कर दिया, मैंने इनका कंबाइन कर दिया इनको। मान लो ऐसे ये R1 के साथ मैंने यहाँ पर ये R2 ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, फिर R2 के साथ मैंने R3 ऐड कर दिया। समझ में आया क्या? तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो अभी इसमें जैसे मैंने कंबाइन किया, करंट फ्लो हो जाएगा क्या? बोलो करंट फ्लो हो जाएगा क्या? Yes. क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं। करंट फ्लो कब होगा? करंट का किधर से किधर फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अभी तो दोनों एंड पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया ही नहीं है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना, कि इधर कुछ पॉजिटिव हो इधर कुछ नेगेटिव हो तो करंट ऐसे फ्लो जाएगा हायर से लोअर। समझ में आया क्या? Yes. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कनेक्टिंग वायर लेंगे और किससे ऐड कर देंगे, सोर्स से। सोर्स क्या होता है, या तो सेल ले लो या बैटरी ले लो। समझ में आया क्या? Yes. हाँ समझ में आया। Yes, sir. तो मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। बट सीरीज में लगाने से काम थोड़ा ना होगा, करंट किससे फ्लो होगा जब तक एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाओगे। तो मैंने ये सेल लगाया वी वोल्ट का। अब आपको पता है जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज्यादा करंट आएगा, हमने पढ़ रखा है ओम्स लॉ। यस सर। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है, जैसे मान लो 10 वोल्ट की जगह अगर मैं 50 वोल्ट कर दूं तो करंट भी बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, सो अब इसमें से करंट किधर से किधर निकलेगा बताओ, करंट कैसे फ्लो होता है सर्किट में। ये सर्किट कंप्लीट है, इसमें स्विच वगैरह सब है बट मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल कंसेप्ट है, हमने सर्किट के बारे में पहले से पढ़ लिया है ना। स्विच होता है, अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, क्या क्या होता है ये सब होता है। बट हम सिंपल सर्किट बनाया जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है और सोर्स है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। बताओ किधर से किधर फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर सब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो करंट उनके अपोजिट फ्लो होता है। तो इसमें करंट फ्लो होगा आई ऐसे। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ अब देखो ये जो करंट फ्लो हो रहा है तो करंट को अपोजिशन कहाँ मिलेगा, ये कनेक्टिंग वायर में मिलेगा या रजिस्टर्स में मिलेगा करंट को अपोजिशन? रजिस्टर। रजिस्टर में। कनेक्टिंग वायर में कोई अपोजिशन नहीं मिलता है क्योंकि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। वैसे होता है, बहुत कम होता है, लेकिन हम जीरो मान के रखते हैं। हमने कितना माना हुआ है, जीरो है ना। कनेक्टिंग वायर कौन सा है, ये यहां से लेके यहां तक ही पूरा और ये वाला। समझ में आया? तो अपोजिशन कहाँ कहाँ पर मिलेगा, अपोजिशन कहाँ कहाँ पर मिलेगा? R1, R2 and R3। समझ में आया क्या? Yes, sir. R1, R2 and R3। ठीक है, यहाँ यहाँ पर अपोजिशन मिलेगा।
आया समझ में? Yes, क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। समझ में आया? रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन। तो जब भी अपोजिशन मिलता है क्या होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप जब भी अपोजिशन मिलेगा तो हाँ हीट जनरेट तो होगी सही, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया। यस हाँ, तो यहाँ कहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये वी वन, ये वी टू, ये वी थ्री। समझ में आया क्या? तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, कितना होगा? वी वन, वी टू और वी थ्री। समझ में आया यहाँ तक? हाँ। अब ये जो V1, V2, V3 ये कहाँ से मिल रहा है? सोर्स से ही तो मिल रहा है, V वोल्ट की बैटरी लगाई हमने, वो उसी का तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन तीनों को मिल रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने सेल के थ्रू लगाया है वो इन तीनों में, तीन रेजिस्टेंस है तो तीन में डिवाइड हो जाएगा, चार है तो चार में हो जाएगा, पांच है तो पांच में हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, सो क्या लिखूं? V1 plus V2 plus V3 इन तीन में डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। हाँ यस सर। सो शिखर आप, आपको कोई डाउट है कि आपने हैंड रेस किया हुआ था? सर पर सीरीज कॉम्बिनेशन जो यूज करते हैं उसको बताऊंगा मैं आगे, पहले समझो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हाँ देखो आप सीरीज, अब हम एक और चीज समझो, जो R1, R2, R3 है ये रेजिस्टेंस है, ये कुछ भी हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, ये फैन हो सकता है। समझ में आया? जैसे तीन बल्ब को लाइन से लगा दिया, या फिर एक बल्ब, दो बल्ब, एक फैन लगा दिया। समझ में आया क्या? Yes, yes, sir. हाँ आया समझ में? हाँ yes. So, V is equal to, क्या होगा? V1 plus V2 plus V3, ठीक है? अब आगे देखो इसका, अब V1 कितना होगा? R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, V2 किसके अक्रॉस है? R2 के थ्रू, और V3 किसके अक्रॉस है? R3 के थ्रू। तो मैं इधर V1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिख दूँ R1 में कितना करंट जा रहा है? देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? I इज इक्वल टू V बाई R, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर, है ना? तो V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? आई आर वन। इसमें करंट कितना जा रहा है? करंट तो सब में सेम ही जा रहा है ना, करंट तो सब में सेम ही जा रहा है। समझ में आया? Yes. V2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? आई आर टू, एंड V3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? आई आर थ्री। समझ में आया? हाँ आया समझ में? Yes, sir. Yes, V1 की जगह लिख सकता हूँ आई आर वन, लिख सकता हूँ आई आर टू, V3 की जगह लिख सकता हूँ आई आर थ्री। कैसे? क्योंकि V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो R1 का रेजिस्टेंस है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, वो कितना होगा? IR1। समझ में आया? V2 कितना yes. होगा? IR2, और V3 कितना होगा? IR3। समझ में आया क्या? ओम्स लॉ लगाया मैंने तीनों में, yes, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल का ड्रॉप ज्यादा आएगा। समझ में आया क्या? क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि वहां पर अपोजिशन ज्यादा मिल रहा है, जितना ज्यादा अपोजिशन मिलेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। समझ में आया? मान लो R1 सबसे बड़ा है तो V1 सबसे बड़ा होगा, R3 सबसे छोटा है तो V3 सबसे छोटा होगा। आए क्या समझ में? Yes, so V is equal, हाँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? IR1, इसकी जगह क्या लिखूंगा? IR2, और इसकी जगह क्या लिखूंगा? IR3। और V, V क्या है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? I करंट इन द सर्किट इंटू आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऐसे लिख सकता हूँ। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तुमको एग्जाम में आएगा करने के लिए। समझ में आया क्या? प्रूफ करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन। यस सर। तो इनमें से आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो इधर से आई कॉमन लूंगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। समझ में आया क्या? आई कॉमन लिया तो आई से आई कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया।
अगर मान लो और भी रेजिस्टेंस होते तो एंड सो ऑन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आवाज आ रही है? मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है सर्किट। हाँ समझ में आया? तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ सर। यस सर। फर्स्ट पॉइंट करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। सेम है कि नहीं है बोलो, पूरे सर्किट में सेम है सर। अगर सीरीज में है तो, अगर सीरीज में होते हैं तो, क्यों सीरीज में लाइन से जुड़े हुए हैं ना, तो फर्स्ट में जितना करंट जाएगा उतना ही लास्ट में भी जाएगा। समझ में आया? यस सर। सेकंड पॉइंट, पर जो फर्स्ट रेजिस्टर रहेगा वो भी तो करंट यूज करेगा, तो जो बाकी के रेजिस्टर्स रहेंगे उनमें करंट कम जाएगा पहले रेजिस्टर। ऐसा नहीं होता है कि करंट यूज, वो पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेगा सर। समझ में आया? एनर्जी कम होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा बैटरी का। आगे करंट तो सेम रहेगा, करंट तो एक लाइन में जितना जा रहा है उतना ही जाएगा। चार्ज मान लो 100 कूलम फ्लो हो रहा है चार्ज, तो ऐसा थोड़ा ना कि फर्स्ट रेजिस्टेंस उसमें से 20 कूलम अपने पास रख लेगा। चार्ज को थोड़ा ना रखेगा, वो एनर्जी को रखेगा अपने पास। समझ में आया? हाँ। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में मान लो 20 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, तो सेकंड में भी इतना ही होगा, थर्ड में भी इतना ही होगा। आएगा समझ में सर? बस हाँ? उसका स्पीड कम हो जाएगा ना, मतलब टाइम लगेगा। किसका स्पीड? करंट का। करंट का क्या स्पीड होगा? स्पीड का करंट से क्या लेना देना? यहाँ पे कार थोड़ा ना चल रही है कि स्पीड है। समझ में आया क्या? अरे यहाँ पर एक एग्जांपल देखो बेसिक, जैसे एक पाइप है, ठीक है, जैसे एक पाइप है मान लो। अब इसमें एवरी सेकंड 2 लीटर पर सेकंड का वाटर फ्लो हो रहा है। तीन पॉइंट है, ए बी सी, तो यहाँ से भी 2 लीटर पर सेकंड का वाटर फ्लो होगा, यहाँ से भी 2 लीटर पर सेकंड का वाटर फ्लो होगा। होगा कि नहीं होगा? तीनों पॉइंट होगा ना, क्योंकि मास कंजर्व है। यहां से 2 आया, यहां से मैं 3 नहीं लिख सकता हूं, अपना मास ऐड हो नहीं सकता है। यहां से अंदर आया 2, इधर से 2 आया, तो इधर से बाहर भी 2 ही निकलेगा। मास कंजर्व होता है ना, ना तो मास को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। समझ में आया क्या? यस। वैसे चार्ज भी कंजर्व होता है, लिखा था ना मैंने प्रॉपर्टी में कि जैसे मान लो यहां से 2 कूलम पर सेकंड आया चार्ज, कितना आया? 2 कूलम पर सेकंड, तो यहां से बाहर भी 2 कूलम पर सेकंड ही निकलेगा। कूलम पर सेकंड क्या होता है? करंट। समझ में आया क्या? ऐसा yes. तो हो नहीं जाएगा अपना फ्री yes. हो जाएगा या कम हो जाएगा। जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज बाहर भी निकलेगा, चार्ज कंजर्व है। समझ में आया? यस। हाँ, तो सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। करंट क्या होता है? कूलम पर सेकंड, एम्पियर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, देन सेकंड। और क्या पॉइंट्स है इसमें? पोटेंशियल डिवाइड होता है इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। पोटेंशियल किसमें ज्यादा डिवाइड होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। पोटेंशियल डिवाइड्स अक्रॉस, किधर डिवाइड होगा? कनेक्टिंग वायर में तो नहीं होगा, किधर होगा? रेजिस्टर। इन द रेशियो, किस रेशियो में? ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। समझ में आया? देखो इधर पोटेंशियल डिवाइड हुआ ना, इसमें वी वन वी टू वी थ्री हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो हमने वी को क्या लिखा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ऐसे लिखा ना? यस। तो वी वन कितना डिवाइड हुआ? आई आर वन।
V2 कितना हुआ? Yes. IR2, V3 कितना हुआ? Yes. IR3, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? R1, R2, R3 पे? समझ में आया क्या? Yes. तो क्या लिखेंगे? Yeah. Potential divides across each resistors in the ratio of their resistances. समझ में आया? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. हाँ. लिखो. Then third point अगले पेज पे लिखूंगा मैं कि थर्ड पॉइंट वही है, ये जो फॉर्मूला है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. समझ में आया? यस सर. लिखो. क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. लिख लिया सबने? यस सर. तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज टोटल सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल resistances. समझ में आया? आगे समझ में? Yes, sir. हाँ. अब इस पर कुछ questions करते हैं. देखो जैसे मान लो ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये है ए रेजिस्टेंस, ये है बी रेजिस्टेंस, ये है सी रेजिस्टेंस, ये है मान लो 5 ओम, ये है 10 ओम और ये है 25 ओम. समझ में आया? आरबी आरसी की मैंने हमसे पूछा है फाइंड फर्स्ट करंट इन सर्किट, सेकंड करंट इन सर्किट, सेकंड वी ए वी बी वी सी. ये क्या है बताओ? वी ए बी बी वी सी सर. पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी सी, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. तुम करके दिखाओगे या मैं बताऊं? एक बार ट्राई करो. ट्राई करो, ट्राई करो. टेस्ट कैसे हुए सबके? PT2 अच्छे हुए. अच्छे हुए. देखो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन है, आर इक्विवेलेंट निकाल लो. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, तो 5 प्लस 10 प्लस 25 तो 40 ओम. आर इक्विवेलेंट आ गया 40 ओम. अब करंट, करंट होगा आई, इसमें करंट फ्लो होगा ना आई, वो कितना होगा? वी अपॉन आर इक्विवेलेंट. वी अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना. टोटल करंट क्या होगा? वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. समझ में आया क्या? वी कितना है? 100 अपॉन 40, तो कितना आएगा? 2.5 एम्पियर. अभी 2.5 एम्पियर तीनों रेजिस्टेंस में इक्वली जाएगा, सेम जाएगा मतलब? यस सर. क्योंकि सीरीज में है ना, तो ये 2.5 एम्पियर जो करंट जा रहा है वो ए में भी उतना ही जाएगा, बी में भी उतना ही जाएगा और सी में भी उतना ही जाएगा. समझ में आया क्या? तो वी ए कितना होगा? हमने ये तो निकाल लिया. वी ए कितना होगा? आई इंटू आर ए, इंटू आर है ना, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा.
आई कितना है? 2.5 into आर ए कितना है? 5. तो कितना आंसर आएगा सर? 12.5 वोल्ट्स. 12.5 वोल्ट्स. वी बी वो होगा आई इंटू आर बी. आई कितना है? 2.5 इंटू 10 कितना आएगा? 25 वोल्ट है ना. देखो रेजिस्टेंस आर बी का डबल है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल आ रहा है. डबल आया ना इसका 12.5 इसका 25. समझ में आया क्या? Yes. और yes, VC sir. वो होगा आई इंटू आर सी. तो VC कितना होगा? आई कितना है? 2.5 इंटू आर सी कितना है? 25 कितना है? 2.5 वोल्ट. 62.5 वोल्ट आएगा. आया समझ में? Yes. उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा है. और तुम इन तीनों को ऐड करके देखो, इन तीनों को ऐड करके देखो 100 आएगा. तीनों को ऐड करो टोटल 100 आएगा. मतलब तुमने सही किया है कैलकुलेशन. समझ में आया? यस सर. लिखो लिख लिया सर. मतलब अगर हमें आंसर आ गया और अगर हमें वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं तो हम तीनों को प्लस कर देंगे. हाँ तीनों को प्लस करो और देखो वो जितने सेल की बैटरी जितने वोल्ट की बैटरी है उसके इक्वल आ रहा है क्या. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू उसके इक्वल आना चाहिए जितने सेल की जितने पोटेंशियल डिफरेंस की सेल आपने लगाई या बैटरी लगाई. समझ में आया? यस सर. यस. इधर देखो क्योंकि हमने क्या लिखा था ये V को तीनों के इक्वल ही तो लिखा था हमने. इक्वल होता है ना हमेशा तीनों तीन या जितने भी हो. ऐसा जरूरी नहीं तीनों दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं. समझ में आया क्या? यस सर. हाँ ठीक है. अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉब्लम होती है. हमारे घर में जो करंट जो डिवाइसेस हमने लगाए हुए हैं सब घर में जितने भी डिवाइस देखोगे तुम बल्ब ले लो फैन ले लो ठीक है फ्रिज ले लो टीवी सब पैरेलल में लगे हुए हैं. सीरीज में क्या दिक्कत है कि मान लो एक खराब हो जाए ये खराब हो जाए मान लो तो खराब होना मतलब यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया. एक के खराब होने से यहाँ पर क्या हो गया ओपन सर्किट. तो बाकी सब सही होते हुए भी वर्क करना बंद कर देंगे. बाकी सब सही हैं फिर भी बंद कर देंगे वर्क करना. सारे बंद हो जाएंगे क्योंकि सर्किट हो गया ओपन. समझ में आया क्या? यस सर. अगर मान लो एक आपने बहुत मान लो 10 बल्ब लाइन से लगा दिए सीरीज में बीच में अगर एक भी खराब हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो गया तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे. बट पैरेलल में अगर एक खराब हुआ तो बाकी सब चलेंगे बस वो एक ही नहीं चलेगा. समझ में आया कैसे वो देखते हैं. सो नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे जैसे मान लो तीन रेजिस्टेंस है फिर से आर वन आर टू आर थ्री. दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं. मैं तीन का डायग्राम बना रहा हूँ ठीक है ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा ठीक है. अब देखो तीन को पैरेलल में कैसे ज्वाइन करते हैं. देखो जैसे इसका ये एंड है और इसका ये एंड है दोनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे और इसके इस एंड को इस एंड से कनेक्ट कर दिया ऐसे. समझ में आया क्या? मतलब डायग्राम में कैसे दिखाएंगे. मतलब एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया. एंड टू एंड लाइन से नहीं किया इस बार कि इसका इधर से ये है और इसका इधर से लाइन से लाइन नहीं किया. दोनों के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया ऐसे सैंडविच की तरह. देखो कैसे ये आर वन था ये आर टू था ठीक है और ये आर थ्री. तीनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया. समझ में आया क्या? नहीं सर. देखो इधर ये डायग्राम हटाता हूँ. इसको मैंने क्या किया यहाँ इसके साइड में लाया और दोनों वायर को पकड़ के ऐसे ज्वाइन कर दिया ऐसे और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ ज्वाइन कर दिया. अब समझ में आया?
जैसे आर टू को आर वन के सामने लाके किया, वैसे आर थ्री को आर टू के सामने ला कर देते हैं। हाँ, आर थ्री को यहाँ ले आएंगे, ये यहाँ लिया आर थ्री को, और इसका ये एंड से ये जॉइन कर दिया, समझ में आया, ये पैरेलल हो गए, ठीक है। हाँ, तो अब पैरेलल तुम चाहो तो ये ऐसे भी दिखा सकते, ये पैरेलल है। एक और तरीका होता है कैसे पहचानेंगे पैरेलल है या सीरीज है। देखो इसमें क्या होगा, जब हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया पैरेलल तीनों को और हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया वी वोल्ट की बैटरी का, तो इसमें से जो करंट निकलेगा मान लो आई करंट निकल रहा है। अब देखो उसके पास टोटल तीन रास्ते हैं। पैरेलल में क्या होता है, जैसे सीरीज में तो क्या है, जैसे मान लो जैसे तुम साइकिल से या बाइक से जा रहे हो, तो तीन रास्ते अगर लाइन से ऐसे कनेक्टेड है, ये एक हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, तो ये तो सीरीज में, तो तुम्हें पक्का इसमें से सब तीनों में से निकलना पड़ेगा, समझ में आया क्या। yes. तीनों में से मान लो 10 साइकिल्स जा रही है, कितनी जा रही है 10 साइकिल्स, तो सबको तीनों में से निकलना ही पड़ेगा, तीनों में से बताओ कितनी साइकिल निकली, 10 10 10, समझ में आया क्या। हाँ यस सर। बट अगर मैं इनको पैरेलल लगाता ऐसे, एक ये दूसरा ये और तीसरा ये, तो हो सकता है दो साइकिल तीन साइकिल इसमें से निकले, इसमें से दो ही निकले और इसमें से चार निकले। अब तो रास्ते ना उनके पास चॉइस है, तीन चॉइस है, तीन रोड में से मेरी इच्छा में किसी में से भी जाऊं, समझ में आया क्या। तीन पाथ है, ये वन ये टू ये थ्री, समझ में आया। इससे पहले पूरा अकेला था, अब यहां से तीन पाथ मिल गए इसको, ठीक है, तो उनकी इच्छा किसी में से भी जाए, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे साइकिल डिवाइड होगी, तीन रास्ते हैं, मान लो 10 साइकिलिस्ट है, उनके पास टोटल तीन पाथ है, तो कुछ इधर चल जाएंगे, कुछ इसमें चल जाएंगे, कुछ इसमें चल जाएंगे, तो डिवाइड हो जाएंगे ना, समझ में आया। हाँ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ये वाला जो था इसमें डिवाइड हुआ था क्या, सबके सब गए थे, सारे रोड में से सब 10 के 10 पास हुए थे, ये फर्स्ट में से भी, सेकंड में से भी, थर्ड में से भी, समझ में आया, क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी उनके पास, आया समझ में। yes. क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी, बट अगर तीन रास्ते पैरेलल में हो तो उनके पास चॉइस है ना, फर्स्ट में से भी जा सकते हैं, सेकंड में से भी जा सकते हैं, थर्ड में से भी जा सकते हैं। yes, sir. अब मेरे ख्याल से तो उस पाथ पे से ज्यादा जाएंगे जिस पाथ की विड्थ ज्यादा हो, समझ में आया क्या, पतली सी गली में से तो ज्यादा नहीं निकल पाएंगे ना, आएगा समझ में। yes, sir. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें से ज्यादा करंट जाएगा जिसका एरिया ज्यादा हो, मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम हो, समझ में आया क्या। yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वैसे यहाँ पर भी करंट के पास तीन पाथ है, कितने पाथ है करंट के पास यहाँ पे, देखो 1 2 3, तो हो सकता है इक्वल 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 डिवाइड हो जाए, अगर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल होते तो करंट भी इक्वल डिवाइड हो जाता, समझ में आया क्या। yes. हो सकता है कि अलग अलग डिवाइड हो, मतलब लेकिन करंट का डिवाइड होना तो पक्का है कि नहीं। सीरीज में करंट डिवाइड हुआ था क्या, नहीं। यहाँ पर करंट डिवाइड होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हुआ था, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कौन डिवाइड होगा, करंट, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, और कौन डिवाइड नहीं होगा, पोटेंशियल, समझ में आया। समझ में आया, करंट को डिवाइड, क्योंकि करंट को जाने के, करंट मतलब चार्ज का फ्लो, तो चार्ज हो सकता है किसी रास्ते में ज्यादा जाए किसी में कम जाए, तो चार्ज का फ्लो तो डिवाइड होगा ना, समझ में आया क्या। मान लो रिवर फ्लो हो रही है, आगे जाके स्ट्रीम में तीन तीन रिवर में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें तीन तीन पाथ निकल जाते हैं, तो वो रिवर का वाटर डिवाइड हो जाएगा तीनों में, होगा कि नहीं होगा। yes, sir, yes. होगा, समझ में आया। या फिर मान लो आपने एक पाइप है, उसके एंड पर तीन पाइप लगा दिए, तो वाटर का जो जो पाइप में जो वाटर जा रहा था वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, समझ में आया क्या। yes, yes, हाँ, वैसे यहाँ एंड पर हमने तीन रेजिस्टेंस लगा दी इस जगह पर, तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, किस में ज्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम हो उसमें ज्यादा जाएगा, तो यहाँ इसमें मान लो गया I1,
इसमें गया आई टू और इसमें गया आई थ्री, तो टोटल करंट तो आई जो है वो तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री होगा ना। ये आई तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री में डिवाइड हुआ है, समझ में आया क्या? ये करंट ही तो डिवाइड हुआ है तीन पार्ट में। अगर मान लो चार रेजिस्टेंस होते तो चार पार्ट चार अलग अलग में डिवाइड होता, दो होते तो दो में होता, एक होता तो होता ही नहीं डिवाइड, अगर सिंगल रेजिस्टेंस होता तो डिवाइड ही नहीं होता, समझ में आया क्या? यस सर। अब ये आई वन ओम्स लॉ लगा के क्या हम आई वन वी वन ओम्स लॉ या इधर लगा देता हूँ। आई वन कितना होगा, ओम्स लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर ये होता है ना, तो आई वन कितना होगा V by R1, I2 कितना होगा V by R2, V by और I3 कितना होगा V by R3, समझ में आया क्या? V तो सेम है ना सब में, आया समझ में? क्योंकि तीनों के एक्रॉस आपने डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट कर दी तीनों के जॉइंट्स पर, देखो ये तीनों का जॉइंट यहीं पर ही है, तीनों रेजिस्टेंस का जॉइंट सेम है और तीनों को आपने बैटरी लगा दी, तो तीनों के एक्रॉस सेम पोटेंशियल लगाया आपने, समझ में आया क्या? Yes. Yes, तीनों का एंड ये वाला एंड इधर, ये वाला एंड इधर, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो तीनों को आपने एक ही से कनेक्ट किया, समझ में आया? तो पोटेंशियल तो सेम आएगा ना। Yes, sir. तो आई वन कितना होगा वी बाई आर वन, आई टू कितना होगा वी बाई आर टू, आई थ्री कितना होगा वी बाई आर थ्री। तो देखो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट, करंट डिवाइड होगा लेकिन नॉट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा, समझ में आया? यस सर। ऑब्वियसली बात है जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, आया समझ में? और आई को क्या लिख दूंगा मैं, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, समझ में आया क्या? आर इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, आया समझ में? यस यस। हां तो वी बाय आर इक्विवेलेंट और V कॉमन लगा दूंगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ये बचेगा, V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। और भी तो हो सकते हैं, कितने भी आपको फॉर्मूला लगाना आया कि नहीं आया, समझ में आया? यस सर। लिखो ये फॉर्मूला फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल तो हम करना सीख लेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशन एक ही बार कराया मैंने तो तुम्हें कम से कम दो तीन बार करना है क्लास के बाद, ठीक है? Yes. समझ में आया दोनों डेरिवेशन? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। किस कौन से कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग लिख रहे हैं? पैरेलल, तो ऐसा नहीं सब जगह ट्रू है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार लिख देता हूं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistor is same रहता है ना? And what about electric current? Electric current divides through each रजिस्टर, और किस तरह से डिवाइड होता है? करंट थ्रू इट ईच रजिस्टर इज करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज, बोलो डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली, हाँ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल लिखा है ना लास्ट में, प्रोपोर्शनल टू इट्स
रेजिस्टेंस करंट थ्रू ईच ब्रांच लिखेंगे इसको. करंट थ्रू ईच ब्रांच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा. समझ में आया क्या? यस. हाँ. एक और पॉइंट देखो इसमें, ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्या लाइन लिखेंगे कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. समझ में आया क्या? हाँ. द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2 प्लस 1 बाय आर3. ये होता है, ये लिखना है हमें. समझ में आया क्या लैंग्वेज की फॉर्म में? हाँ. तो क्या लिखेंगे? द सम ऑफ, देखो सब में प्लस लग रहा है इसलिए सम किसका हो रहा है, रेजिस्टेंस का या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. हाँ. द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ is equal to, ऐसे लिख लो, is equal to reciprocal of equivalent resistance. Equivalent resistance का मतलब पता है ना, जब किसी सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर बस एक बार समझा. कौन सा पॉइंट? सर एक बार सब पॉइंट समझा दो वापस. हाँ. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी रजिस्टर होते हैं, ये देखो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, सबके अक्रॉस ये इतना ही है, वी है. इसलिए तो हमने वी बाई आर वन, वी बाई आर टू, वी बाई आर थ्री लिखा. I1, I2 yes. निकालने के लिए हमने V सेम रखा ना सबका. समझ में आया क्या? yes, I1 क्या था V by R1, I2 क्या था V by, तो सबका V सेम लिया हम. yes. लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता था, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था, डिवाइड होता था, है ना? आया समझ में? yes, sir. Then second point, in electric current divide होगा इसमें क्योंकि अलग अलग ब्रांच है, तो किसी में ज्यादा जाएगा किसी में कम जाएगा. सीरीज में तो एक ही ब्रांच थी तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं और जाने का. समझ में आया? yes, बताया था ना मैंने साइकिल वाला एग्जांपल. सो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा जाएगा, इसलिए मैंने लिखा करंट थ्रू ईच ब्रांच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. समझ में आया? इनवर्सली मतलब उल्टा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम. आया समझ में? यस सर. देन थर्ड, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब ये लाइन को मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले को. द सम ऑफ रेसिप्रोकल वन मतलब 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2 प्लस 1 बाय आर3, इन मतलब इनका सम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. समझ में आया? यस सर. यस सर. एक क्वेश्चन करते हैं. पहले मैंने इन तीनों को सीरीज में लगाया था, अब मैंने किस में लगाया, पैरेलल में. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन. समझ में आया सबको? कैसे पता लगेगा पैरेलल है? क्योंकि जो भी करंट जाएगा वो तीनों में डिवाइड होगा, तीन रास्ते हैं यहाँ पे. समझ में आया क्या? हाँ. yes. फिर ये तीनों करंट यहाँ पर मिलकर, जैसे कि यहाँ क्या होता, ये तीन में डिवाइड हुआ था, फिर ये तीनों करंट मिलकर फिर से आई बन गए थे इधर. आया क्या समझ में? Yes. तो इधर आएगा उतना ही फाइनल, इधर भी ये तीनों करंट मिलकर फिर से आई बन जाएंगे. समझ में आया? तो हमसे पूछा है फाइंड
फर्स्ट, आर इक्विवेलेंट सेकंड, आई वन आई टू आई थ्री, आई वन आई टू आई थ्री मतलब ये आई वन है, ये आई टू है, ये आई थ्री, समझ में आया? आया? क्या आंसर आया? सर आर इक्विवेलेंट आया 50/17, जिसको अगर आगे करोगे तो 2.9411 कुछ आएगा। ओके देखते हैं, 1/r equivalent इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगे? हाँ सर। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/25, एलसीएम क्या लेंगे, 50 ले लो तो ये बन जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 2, तो ये आया 17/50। सर फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 50/17। हाँ अब देखो, उस वाले क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट आया था 40 ओम, कितना आया था 40 ओम, इसमें कितना कम आया देखो, नियरली 3 के आसपास आ रहा है, 3 से भी थोड़ा सा कम, समझ में आया? हाँ, तो देखो सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सर्किट का और पैरेलल में कम हो जाता है, देखो कितना कम हो गया पैरेलल, कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो करंट बढ़ जाएगा, आई आई बताओ आई कितना, वी बाय आर इक्विवेलेंट, आई वैसे पूछा नहीं बट निकाल लो, वी कितना है 100 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है 50 × 17, 50/17 है तो 17 ऊपर आ जाएगा सर 34 एम्पियर, उसमें कितना आया था 2.5 एम्पियर, इसमें कितना आया 34 एम्पियर, देखो करंट बढ़ गया ना, यस सर, है ना, पैरेलल में लगाने से सर्किट में करंट बढ़ जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब बचा आई वन, आई वन होगा वी बाई आर वन, V कितना है 100 अपॉन 5 आ जाएगा, हाँ तो कितना आएगा 20 एम्पियर, समझ में आया? यस सर। देन आई टू, आई टू होगा V अपॉन आर टू, सर V कितना है 100/10, तो मतलब 10 एम्पियर, और आई थ्री ये होगा V अपॉन आर थ्री मतलब 100/25 मतलब 4 एम्पियर, समझ में आया कि तीनों आई वन आई टू आई थ्री करके देख लो 34 के इक्वल आ रहा है तो सही, देखो कितना आ रहा है, हाँ सर 34 आ रहा है, मतलब आपने सही किया, समझ में आया? यस सर। सो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन देखा, वो डेरिवेशन आप 2-3 बार करो कम से कम क्लास के बाद, है ना, और 2 क्वेश्चन किए बेसिक बेसिक, इसके अलावा और क्वेश्चंस मिक्स वाले भी करेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ होते हैं, समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके सर। लिख लो इसको। डन सर। सर हाँ लिखो।